अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज ट्यूसडे का दिन था, मैंने सोचा वेकेशन शुरू हो गई तो व्लॉग बनाया जाए, तो ये छोटा मोटा सा व्लॉग मैं बना रही हूँ आज। और इसमें मैं कुछ खास नहीं कर रही, बस वैसे ही अपडेट शेयर कर रही हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और इसमें मैं बनाने लगी थी चिकन फ्रिंग्स एंड नगेट्स, क्योंकि हम बाहर से आए थे लंच के लिए, कुछ हमने खाना था लेकिन हमें इतना हैवी कुछ नहीं खाना था, तो इसलिए रोटियां वगैरह हमने सालन वगैरह नहीं खाना था, तो इसलिए नगेट्स और चिकन फ्रिंग्स का ऑप्शन चुना, क्योंकि ये अयूब भी खा लेता है, तो इसलिए हमने बोला यही खा लेंगे। तो ये मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिए थे 30 मिनट्स, और तब तक मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे ऑनलाइन क्लासेस थे तो मैं किचन में नहीं आई थी, और अम्मी भी बिज़ी थी और कामों में। अभी अम्मी जो है ना सिलाई कर रही है, तो वो इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता, टाइम होता है लेकिन कभी कभी जब वो सिलाई करती है तो वो बिल्कुल बिज़ी हो जाती है। तो मैंने सोचा जब मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर यहाँ पर मैं ये डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखा था लेकिन फिर इतना डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ, फिर मैंने इसको और 20 मिनट्स रख दिया, तो टाइम इसमें ही चला गया। तो यहाँ पर इसके पैक में 10 होते हैं और हमारे लिए काफ़ी था। और आजकल बिल्कुल मैं फ्री नहीं होती, टाइम नहीं मिलता व्लॉग बनाने का, दुबई में तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है कब शाम हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता कब, लाइक कोई काम कंप्लीट नहीं होता, ना तो कोई काम मुकम्मल होता है और ना कोई दूसरा काम शुरू कर सकते हैं, ऐसी दुबई में ऐसी ज़िंदगी है। तो सोच रही हूँ कि डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन एक महीने में एक व्लॉग ही आ जाए वो भी बड़ी बात होती है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है, और फिर साल भी ख़त्म होने वाला है, सो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने नगेट्स रख दिए थे, आई गेस 15 नगेट्स रख दिए थे हम चारों के लिए, तो हम डिवाइड कर दिए फिर, और ये फ्राई हो रहे थे तब तक मैं किचन की सफाई मोपिंग वगैरह कर रही थी। मैंने सोचा आ जाओ ये भी कर लेते हैं, फिर अम्मी ना खुश हो जाएंगी मुझसे, वैसे तो खुश नहीं होती क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती ना, वैसे स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ, तो इसलिए अम्मी को ही सारा काम करना होता है। तो मैंने सोचा आ जाओ आज थोड़ा सा कर लेते हैं, वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, वैसे ये नॉर्मल काम होता है, मेरी अम्मी से ज़्यादा करती है, लेकिन अम्मी बिजी थी तो मैंने सोचा मैं कर लूँगी। तो ये अयूब ना शौक से खा लेता है, तो मैंने सोचा आ जाओ ये बना देते हैं, वरना चावल वगैरह आजकल हम नहीं बनाते क्योंकि नहीं खाए जाते ना, तो अभी किसी से खाए, वो खाते हैं जब मेरे अब्बू बाहर से लेकर आते हैं, वो बहुत बड़े मज़ेदार होते हैं, तो बाहर वाले कभी कभी खा लेते हैं, वरना हम रेगुलरली घर में नहीं बनाते इतना ज़्यादा। और यहाँ पर मैं हॉट सॉस डाल रही थी क्योंकि ये भी बहुत मज़ेदार होता है इसके साथ, इन नगेट्स वगैरह के साथ बहुत मज़ेदार होता है, प्लीज़ ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई। फिर मैंने बोला कि चटनी बना दूँ या ना बनाऊँ, मैंने बोला बहुत हैवी हो जाएगा बस छोड़ दो, क्योंकि इसके साथ इतना आई गेस जचेगा नहीं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सारा कुछ रेडी हो गया था, अभी मैं सर्व करने लगी थी और मेरा भाई मुझसे पीछे पूछ रहा कब रेडी होगा, भाजी कब रेडी होगा बताओ, आपने इतना एक घंटा लिया है इसको बनाने में, मैंने बस बोला बस बन गया है। तो बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको